ओके, सो हमने पहला फॉसिल फ्यूल डिस्कस कर लिया, दैट इज कोल. सेकंड फॉसिल फ्यूल इज ऑयल. दिस ऑयल इज नोन एज पेट्रोलियम. व्हाट इज दिस पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज बेसिकली पेट्रा प्लस ओलियम. ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, पेट्रा और ओलियम, जिसमें पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक एंड ओलियम मींस ऑयल. सो पेट्रोलियम इज अ टर्म विच मींस रॉक ऑयल. रॉक मतलब जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स, उन रॉक का ऑयल इज नोन एज पेट्रोलियम. अब नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड रॉक ऑयल? ये रॉक ऑयल क्या चीज है, क्यों होता है, इसे हम समझते हैं. देखिए, अगेन पेट्रोलियम इज व्हाट? इट्स बेसिकली अ फॉसिल फ्यूल. और हम ये जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स का समय लगता है. तो पेट्रोलियम बनने में भी मिलियंस ऑफ इयर्स लगे होंगे. किस तरह से बने हैं इसे हम समझते हैं. सो क्या आपको ये पता है कि जब अर्थ फॉर्म हुई थी, अर्थ जब फॉर्म हुई तो सिर्फ एक सिंगल बॉडी थी. अर्थ जो पूरी एक फॉर्म हुई थी उसमें लैंड कोई इस तरह से नहीं थी जैसी अभी आपको दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ ऐसी सर्कुलर, सो जस्ट एक लैंड का टुकड़ा था और बाकी पूरा वॉटर था. सो दिस इज लैंड एंड दिस इज वॉटर. अभी जिस तरह से टुकड़े हो गए हैं अर्थ के, इस तरह से फिनोमेना नहीं था. लैंड में, इस अर्थ में सिर्फ एक ही लैंड थी जहां पे डायनासोर्स रिसाइड करते थे, जहां पे डायनासोर्स रहते थे, और इधर पे पूरा पानी ही पानी था. तो इस पानी के आसपास, इस पानी में अगर हम देखें तो पानी में छोटे छोटे प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स थे, इंसेक्ट्स थे और लिविंग बींग्स थे. ये लिविंग बींग्स जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये डेड होते चले गए. प्लांट्स, एनिमल्स और जो फिशेस थी और जो बाकी के लिविंग बींग्स थे, ये सभी डेड होते गए. और जैसे जैसे ये डेड होते गए, इनकी जो रेसिड्यू था, इनकी जो बॉडी थी, वो जमीन में या इस पानी के नीचे जाती गई, नीचे डिपॉजिट होती गई. और जब ये बहुत नीचे चली गई तो रॉक्स के बीच में जो पानी रहता है समुद्र, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे रॉक्स रहते हैं, वो अर्थ की क्रस्ट होती है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं. तो क्रस्ट पे जाके ये लिविंग बींग के रेसिड्यूस डिपॉजिट होते चले गए. धीरे 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 ये डिपॉजिट होते होते डीप इनसाइड द अर्थ, बिल्कुल अंदर की तरफ चले गए, अंदर गए, अंदर और अंदर, और मिलियंस ऑफ इयर्स में ये बहुत जमीन के अंदर की तरफ चले गए. फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे इस अर्थ की क्रस्ट का शेप चेंज हुआ. और जैसे जैसे ये शेप चेंज हुआ, वैसे वैसे इन रेसिड्यूस पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा. बिकॉज क्या था, ये रॉक्स के बीच में फंस गए थे जा जाके. ये रेसिड्यू ऐसा नहीं था कि सब सिंगल बेड बन गया, ये रॉक्स के बीच में फंस गए. और रॉक्स के बीच में फंसने पे जब रॉक्स के बीच की मूवमेंट हुई, तो उस मूवमेंट से इनको बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिला. उस टेम्परेचर और प्रेशर मिलने की वजह से इनमें से ऑयल निकल गया, इस रेसिड्यू में से ऑयल निकलता चला गया, और ये पूरा रेसिड्यू ऑयल के फॉर्म में क्रिएट हो गया, ऑयल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. नाउ अब हम जानते हैं कि ये जो ऑयल बना, ये पानी के अंदर बना, और ऑयल इज अ लाइटर मीडियम देन वाटर. सो क्या होगा, जब पानी के नीचे ऑयल बनेगा तो वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, एंड इट विल ट्राई टू कम अबव द सर्फेस ऑफ वाटर. तो वो ऑयल जो अंदर फॉर्म हुआ था अर्थ की क्रस्ट के अंदर, काफी अंदर, वो धीरे धीरे वापस ऊपर आने की, पानी के ऊपर आने की कोशिश करने लगा. अब जैसे जैसे ये पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे क्या थे, नीचे रॉक्स का बेड बिछा हुआ था. तो जो रॉक्स का बेड था उसके अंदर ये ऑयल के पार्टिकल्स, ऑयल की ड्रॉपलेट्स ट्रैप हो गई. अर्थ की सरफेस के बहुत नीचे, वहां से ऑयल फॉर्म हुआ और वो ऊपर आने लगा, लेकिन बीच में पहले रॉक की जो अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ के रॉक्स हैं, वो बीच में आ गए. ये ऑयल उन पे आके टकराया और उनके बीच में ट्रैप हो गया, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी तो ऑयल सरफेस पे नहीं आ सका, वो नीचे की तरफ ही ट्रैप हो गया.
और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रही चलती रही, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऑयल के रिजर्व्स इस तरह से फॉर्म हो गए। ऑयल के रिजर्व्स, उस टर्म को हम बोलेंगे ऑयल रिजर्व। सो वी कैन राइट अबाउट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हुआ। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट ब्यूरेट इन डीप इनसाइड अर्थ। देन ड्यू टू इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर इफेक्ट दिस रेसिड्यू गेट्स कन्वर्टेड टू ऑयल। ये रेसिड्यू ऑयल में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस रेसिड्यू इज ऑफ लिविंग बींग्स, ये लिविंग बींग्स का रेसिड्यू है, प्लांट्स का, एनिमल्स का। और अभी हमने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स और लिविंग बींग्स बने किस चीज से है। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो इसीलिए जो पेट्रोलियम या जो रॉक ऑयल हमें मिला, दिस रॉक ऑयल कंटेन्स इज मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। दिस रॉक ऑयल इज बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कॉम्पोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। दिस यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री में इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम इतना देख लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होने से जो कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और इसमें मेनली क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, बट लिविंग बींग्स में और दूसरे कंपोनेंट, दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट। और ये तीन सब्सटेंस और इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट मेन कंपोनेंट्स आर हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो ये जो ऑयल हमें मिला, दिस ऑयल, ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल रिजर्व इज नोन एज क्रूड ऑयल। तो क्या हुआ, तो ये जो ऑयल हमें मिला था ये ऑयल बेसिकली क्रूड ऑयल नाम से जाना जाता है। क्रूड ऑयल मतलब, क्रूड मतलब रॉ, ये कच्चा तेल है, इसे कच्चा तेल बोलते हैं। ये ब्लैकिश कलर का होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है और बहुत ही थिक होता है। नाउ दिस थिक ऑयल कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इसे हम डायरेक्टली तो अपनी गाड़ी में नहीं डाल सकते, डायरेक्टली तो हम नहीं चला सकते, ओके, बिकॉज ये इंजन को जाम कर देगा। ये बहुत थिक होता है, बहुत ही डार्किश कलर का होता है और इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। दिस इज वेरी डर्टी स्मेलिंग, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। Hence, ये जो ऑयल हमें मिला क्रूड ऑयल, इसको सेपरेट किया जाता है, इसमें इसको रिफाइन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल को रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी होती है ऑयल की, आप जानते हैं इंडिया में भी रिफाइनरीज हैं ऑयल की। ऑयल रिफाइनरी क्या करती है, ऑयल रिफाइनरी इस क्रूड ऑयल को यूज करती है और इससे अलग अलग कंपोनेंट्स बनाती है।